जय हिंद साथियों, यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है, चुनाव के बाद आएगी, लगभग 4000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, तो क्या उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा? काफी लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 28 साल तक एज जो है ली जाती है जनरल की, 21 से 28 साल तक की, और आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो क्या उसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल जो आई थी, इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया, काफी जो है ट्विटर कैंपेन के बाद में एज रिलैक्सेशन दिया गया, तो क्या उसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा? तो देखिए, यूपीएसआई की वैकेंसी अगर देखें पिछला रिकॉर्ड, तो लगभग 4 साल के बाद ही यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, और हर साल तो आती नहीं है वैकेंसी, तो इस आधार पे उसमें एज रिलैक्सेशन जो है गवर्नमेंट नहीं देगी, शुरुआत में तो नहीं देगी, लेकिन अगर इसी प्रकार कैंपेन वगैरह चलाया गया तो हो सकता है 1 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाए, 1 साल का, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। अब क्योंकि इधर जो है एज रिलैक्सेशन इसलिए देगा दिया गया क्योंकि काफी जो है टाइम से वैकेंसी आने के लिए घोषणा कर रही थी वैकेंसी की जो है गवर्नमेंट, लेकिन वैकेंसी आई नहीं। दूसरी चीज, लोकसभा के चुनाव ही थे, तो चुनाव को देखते हुए कि लोग जो है स्टूडेंट जो है वो नाराज हो जाएंगे और उनके परिवार वाले भी नाराज होंगे, तो उसका जो है काफी असर पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है ये सब सोच करके इसने जो है एज रिलैक्सेशन दे दिया, लेकिन उस टाइम चुनाव रहेगा नहीं, तो गवर्नमेंट इतना प्रेशर में नहीं रहेगी कि वो एज रिलैक्सेशन दे। फिर भी अगर ज्यादा कैंपेनिंग हुई ट्विटर वगैरह के थ्रू, ज्यादा जो है विरोध प्रदर्शन किया गया, तो 1 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, लेकिन अब 28 साल तक जनरल के कैंडिडेट जो है उनको तो मिलेगा ही, ओबीसी को मिलता है एज रिलैक्सेशन, साथ में एससी को भी मिलता है 5 साल का, और जो राजकीय सेवा में कार्यरत होते हैं अधिकतर लोग ये परेशान रहते हैं, जैसे कि यूपी पुलिस में जो कांस्टेबल के पद में हैं और जो और भी राजकीय सेवा में कार्यरत हैं, जैसे कि लेखपाल वगैरह हैं और भी राज्य कर्मचारी हैं, तो वो उनको भी एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, 5 साल का छूट मिलता है जो भी राजकीय सेवा में कार्यरत होते हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन को तो मिलता ही है एज रिलैक्सेशन, और उनको तो वैसे भी आरक्षण मिलता है, तो एज रिलैक्सेशन की बस यही संभावना है कि जो एससी एसटी ओबीसी हैं इनको तो मिलेगा ही, साथ में राजकीय कर्मचारियों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 28 और उसके बाद 5 साल और आपको मिलेंगे 28 से अगर ओवर हो जाएंगे। और जो 1 साल वाला हम बता रहे हैं जनरल कैंडिडेट जो फ्रेश आएंगे, तो अगर ट्विटर का कैंपेनिंग हुआ अच्छे से तो 1 साल का मिल सकता है, इस 1 से अधिक जो है मिलने की संभावना नहीं। तो ये जो है एज रिलैक्सेशन से संबंधित जानकारी थी।